तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में तो दोस्तों कल रेडमी नोट नाइन इंडियन यूज़र्स के लिए तो शॉकिंग डे रहा क्योंकि कल रेडमी नोट नाइन के लिए एक अपडेट देखने को मिला जिसकी वजह से ग्लोबल यूज़र नाराज़ हो गए क्योंकि ये चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है जिसमें सीधा डा ट्वेल्व देखने को मिला वो भी रेडमी नोट नाइन प्रो से पहले और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 की भी सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है और लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज के साथ इसमें आपको जो फीचर्स आपके 12.0.7 के बाद आपको नहीं देखने को मिल रहे थे वो भी इसमें वापस ऐड कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे फ़ीचर्स है जो यूजफुल है और कुछ फ़ीचर्स अभी भी देखने को मिस हो रहे हैं तो अगर आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बता दूँ इसमें तो आपको सिक्योरिटी पेज लेटेस्ट देखने को मिलता है अगर बात करें हम इसके गैलरी में तो इसमें गैलरी में चाइने वाला में आपको पी का ऑप्शन देखने को मिलता था परंतु आपको इसमें पी के अलावा जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे देखने को मिलते हैं बस आपका पी वाला ऑप्शन आपका देखने को नहीं मिलता है उसके अलावा जितना भी गैलरी के अबाउट का ऑप्शन है वो सारा इसमें देखने को मिल जाता है अगर हम इसके बात करें इसके कस्टमाइजेशन की तो उसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है वो आपको सेम टू सेम 12.5 में चाइना वाले रोम की तरह ही देखने को मिलता है अगर हम इसके बात करें फाइल मैनेजर की तो वो फाइल मैनेजर चाइना का अलग होता है और इंडिया का और ग्लोबल का अलग होता है अगर बात करें इसके फाइल मैनेजर की इसके, इसके फाइल मैनेजर में मुझे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हमें वही पुराने वाले जो भी फाइल मैनेजर देखने को मिलता है उसके अलावा इसमें आपको कोई भी फीचर्स आपको ऐड और या रिमूव देखने को नहीं मिलता है आपको वही पुराना वाला फाइल मैनेजर देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है बस आपको न्यू फाइल मैनेजर आपको जल्द मिलने वाला है जो कि हो सकता है अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट डायलर में आपको कुछ दो चार ऑप्शन आपको ऐड देखने को मिलते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में अगर हम बात करें इसके दूसरे कॉल रिकॉर्डिंग की या ग्लोबल वाली वॉइस रिकॉर्डिंग वाली वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता आपको इंडिया में एम वाला ही डायलर देखने को मिलता है अगर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको कैमरे में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए परंतु अगर आप प्रो मोड ओपन करते हो तो उसमें आपको रो इमेज का सपोर्ट देखने को मिलता है स्ट्रेंड फोकस का एक सपोर्ट और देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप फोकस कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम बात करें पिक्चर क्वालिटी की तो उसमें मुझे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला बस आपको फ़िल्टर में दो चार फिल्टर आपको एड देखने को मिले हैं और मोर में अगर आप चले जाते हैं तो आपको न्यू यू देखने को मिलता है ट्वेल्व वाला इसके अलावा इसमें कैमरे में आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता वीडियो अभी भी टेन एटी एफ पर ही रनिंग देखने को मिलता है अगर बात करें हम इसके सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसमें आपको एंड्रॉयड इलेवन के साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पेस्ट देखने को मिलता है जो कि डायरेक्ट एंड्रॉयड टेन के बाद सीधा ट्वेल्व पॉइंट फाइव के साथ सीधा एंड्रॉयड देखने को मिला और इसकी वजह से साथ में एम डायलर देखने को मिला जो कि और भी अच्छी खुशी की बात हो चुकी है अगर इसके कंट्रोल सेंटर की बात करें वो आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो आपको मिल गया है पर आपको इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको रिमूव कर दिए पर वो इतने इतने कुछ यूज़ेस के लिए नहीं है इसलिए एम ने शायद उसे रिमूव कर दिए हैं अगर इसके सिम कार्ड और नेटवर्क में बात करें तो ए, चाइना में आपको एक फ़ीचर्स देखने को मिल रहा था नेटवर्क बूस्ट का जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है अगर डाटा यूजेस की बात करें तो आप डाटा यूजेस देख सकते हैं पर आपको कंट्रोल सेंटर में अब भी वो डाटा यूजेस कितना डाटा आपने यूज किया है डेली का वो आप अभी भी नहीं देख सकते हैं जो कि चाइना में अभी आ चुका है और इंडिया में आपको वो देखने को नहीं मिला है चाइना में आपको न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को, देखने को देखने मिला बल्कि इंडिया में आपको न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को नहीं मिला है आपको वही पुराना वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिला है अगर बात करें इसके कनेक्शन है शेयरिंग में तो उसमें आपको क्रम कास्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अगर हम डार्क मोड की बात करें तो इसका डार्क मोड और ख़राब हो चुका है मतलब कि इसका डार्क मोड बहुत ज़्यादा लेट वर्किंग करता है इसमें आपको एक बीच में स्टिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप इरीटेटिंग हो सकते हैं इसके अलावा इसमें कुछ भी फीचर्स आपको लोक स्क्रीन में चार्जिंग एनिमेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है उसके अलावा आपको कोई भी फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलते हैं अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं और आपको लोक स्क्रीन में चार्जिंग एनिमेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता ही है साउंड एंड वाइब्रेशन में अब आपको एक फीचर्स और ऐड कर दिया गया है अगर आप अपने फ़ोन को बूट करते हो तो आपको अब आप बूट एनि बूट का जो वॉइस होगा वो आपको सुनाई देगा अगर आपने फ़ोन रिस्टार्ट किया है तो अगर आप उसकी आवाज़ को बंद या चालू कर सकते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग से, से कर सकते हैं इसका जो बूट ऑडियो है वो अच्छा भी देखने को लगता है अगर इसकी बात करें हम इसके साउंड असिस्टेंट की उसमें आपको एक दो उच्च इम्प्रूवमेंट हुआ है अगर इसके नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो अब हमको इसके होम स्क्रीन में जो इसका ड्रोवर है ऐप ड्रोवर उसमें थोड़े बहुत आपको फीचर्स देखने को मिले और इसको थोड़ा स्मूथ बनाया हुआ है पहले यह थोड़ा स्ट्रेट और इससे थोड़ा बल्कि फिल्क होता था अब की वो, अब वो फील नहीं होता है अगर गैचर बार की बात करें तो आपको आखिरकार एंड्रॉयड टेन वाला गैचर बार इसमें एंड्रॉयड इलेवन में देखने को मिल ही जाता है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसके इंतज़ार था क्योंकि ये ट्वेल्व पॉइंट ज़ीरो पॉइंट सेवन के बाद हटा दिया था अगर हम इसके बात करें इसके ऐप के अरेंज आइटम की तो आप इसे वर्टिकली और हॉरीजोंटली अब सेट कर सकते हैं जो कि बहुत पहले आ चुका है पर हमारे रेडमी नोट नाइन में अभी फ़िलहाल ये फीचर देखने को मिला है अगर इसके हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर्स की तो इसमें आपको जो कि अगर बैटरी की बात करें बैटरी परफॉर्मेंस हम आपको इसका फुल टेस्ट हम कल वीडियो बना देंगे उसमें आपको मिल जाएगा अगर ऐप्स की बात करें अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स की बात करें तो वो अभी इसमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता जबकि चाइना में हम उसे अनइंस्टॉल कर भी सकते हैं और इसमें आपको वो फीचर्स देखने को नहीं मिलता अगर हम बात करें एसेसिलिटी में एसेसलिटी में आपको जो बटन शॉर्टकट है उसमें से आपको जो स्क्रीन स्प्लिट है उसका आपको ऑप्शन अब आप रिमूव कर दिया है जो कि पहले आपको देखने को मिलता था पर अब आपको देखने को नहीं मिलता है अगर हम बात करें इसके जो कि कटआउट डिस्प्ले कटआउट की तो अब आप उसमें आपका एक ऑप्शन आपका रिमूव कर दिया है मैंने ऑलरेडी चाइना रोम में कहा था कि ये ऑप्शन आपका रिमूव कर दिया गया है क्योंकि ये इतना यूजफुल नहीं है तो इसमें भी आपका जो कि उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया है क्वाइक बॉल में आपको कुछ भी सपोर्ट देखने को कुछ भी एड फीचर देखने को नहीं मिलता है और अगर बात करें इसके के में तो उसमें आपको वही पुराना वाली एक्सेटी देखने को मिलती है उसमें आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट और कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला मेरे को फ़िलहाल इस पायलट टेस्टर रोम में अगर डेवलपर ऑप्शन की बात करें तो मैंने कहा था एंड्रॉइड इलेवन है तो आपको डी एस यू लोड देखने को मिलेगा तो यस इसमें भी आपको डी एस यू लोड देखने को मिलता है अगर आपको पता नहीं है डी एस सी लोडर क्या है तो लिंक आपको आपको ऊपर कार्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं कि डी एस यू लोडर क्या होता है तो प्लीज़ पहले यह वीडियो देगी उसके बाद जाके उस वीडियो को देखिए नहीं तो आप इस वीडियो को मिस कर दूँगे अगर हम बात करें इसके और फीचर्स की तो वह आपको रैम मैनेजमेंट इस रोम में आपको अच्छा देखने को मिलता है जो कि मैंने ऑलरेडी ग्लोबल वाले एंड्रॉयड इलेवन में कह दिया था कि आपको इसमें जो भी न्यू रैम मैनेजमेंट है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है डिजिटल वेलबिंग वही आपको देखने को मिलती है अगर स्पेशल फीचर्स में बात करें गेम टूर्बो की तो गेम टूर्बो आपको पुराना वाला देखने को मिलता है परंतु आपको इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया जिसका नाम है पता नहीं ये टाइमर की तरह लगा हुआ है और इसका यूज कैसे करते हैं मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है बल्कि चाइना में इसको जो यू था वो अच्छा देखने को मिलता था उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी थे परफॉर्मेंस ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शन पर इसमें इतने ऑप्शन नहीं हैं फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस तो हुए ही है इस रोम में अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें इसके तो इसका जो गैचर बार है उसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है अच्छा खासा वीडियो टूल में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो कि 12.5 पॉइंट फाइव है रेडमी नोट उसमें आपको बहुत सारे जो वीडियो टूल में भी आपको दो तीन ऑप्शन एयर देखने को मिलते हैं जैसे कि डोल ऑटमोस्ट है आपको ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स देखने को मिलते हैं मैं आपको बता दूं इसमें आपको वही पुराना वाला जो आपको देखने को मिलता है अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फीचर की तो वो आया है फ्लोटिंग विंडो यस आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है परंतु आप वो आप उस तरीके से फ्लोटिंग विंडो को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से आप ट्वेल्व और ट्वेल्व पर कर सकते थे जैसे ही मैं इसके फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देता है पुलिस स्क्रीन के बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलते आप इसे बस रिसाइज कर सकते हैं उसके अलावा आप इधर से उधर भी सेट नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक पायलट टेस्टर इसके हिसाब से हो सकता है अगर ये पायलट टेस्ट नहीं होता तो भी अगर शायद तक तो हो सकता तो चेंज हो सकता है अगर हम इसके बात करें सिस्टम ऐप रिमूवर की तो यस इसमें आप सिस्टम ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको वही पुराने वाले फ़ीचर देखने को मिलते हैं मैंने सोचा होगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला होगा लेकिन नहीं आपको वही पुराने वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है आपको सेम रिजुलेशन सेम वीडियो क्वालिटी और आपको इसमें इनबिल्ट वॉइस और साउंड का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको चाहिए वो थर्ड पार्टी तो आपको लिंक में ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले अगर हम थ्री टच की बात करें तो वो अच्छे से वर्क कर रहा है उसमें आपको कोई भी बग या इशू देखने को नहीं मिलता है और अगर हम इसके साइड वाइड वो नोटिफिकेशन की तो वो भी आपको अब अच्छा लेटेस्ट देखने को मिलता है इसके अलावा हम वॉल्यूम बार की बात करें तो इसमें आपको 12.5 वाला वॉल्यूम बार लेटेस्ट देखने को मिलता है परंतु आपको जब आप फोन को स्विच ऑफ करने वाले बटन को प्रेस करते हो तो आपको वही पुराना वाला जो कि स्विच पावर ऑन वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं बल्कि चाइना वाली रोम में आपको लेटेस्ट वाले देखने को मिलते थे और चाइना वाली रोम में आप सिस्टम ऐप भी रिमूव कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है चाइना रोम्स के कितने फ़ीचर्स हैं तो आपको लिंक ऊपर कार्ट में दे दूंगा वहाँ से भी आप इस फीचर्स को देख सकते हैं अगर हम गेस्टर बार की बात करें तो वो अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है और रैम मैनेजमेंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मतलब जितने भी ऐप्स थे वो सारे के सारे आपको रैम में देखने को मिल जाते हैं अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करें अगर बात करें कि अगर आपको कंट्रोल सेंटर कहीं भी सेटिंग में देखने को नहीं मिलता है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नोटिफिकेसन कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो आपको वो ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलेगा शायद मिल रेडमी ने इसे हाइड कर दिया है पर इसने रेडमी ने इसको पूरा हाइड नहीं किया ताकि अगर कोई किसी को चाहिए कंट्रोल सेंटर तो अगर वो सर्च बार में उसको ऑप्शन को सर्च करता है तो उसको वो कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है पहले ये कंट्रोल सेंटर ऐसे देखने को नहीं मिलता था पर अब आपको ये कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है परंतु यह कंट्रोल सेंटर आपको वही पुराना वाला मी आई बेस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव वाला देखने को नहीं मिलता क्योंकि ट्वेल्व पॉइंट फाइव में आपको डाटा यूजेस का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अगर इसमें नोटिफिकेशन बार की बात करें तो वो भी आपको लेटेस्ट एम ऑवेल्व पॉइंट फाइव वाला देखने को नहीं मिलता क्योंकि उसमें अनयूज नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है अगर आपको अगर सिस्टम नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है तो वो अलग सेप में देखने को मिलती है अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये फीचर 12.5 का मुझे अच्छा लगा है कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन बार बार सिस्टम की ओर से मिल रही है तो वो आपको परेशान नहीं करेगी वो ऑटोमेटिकली उस नोटिफिकेशन में अनयूज नोटिफिकेशन में चली जाएगी अगर हम इस पर टैप करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें ऐप पिम्पो में ले जाता है पहले ये ऐसा ऑप्शन नहीं था पहले अगर हम टैप करते थे तो हमें दो तीन ऑप्शन का आगे मिलता था फ्लोटिंग विंडो ऐप पिम्पो और स्प्लिट स्क्रीन का पर अब डायरेक्ट ये हमें ऑटोमेटिकली ऐप पिम्पो में देख भेज देता है जिसकी वजह से मुझे ये फ़ीचर मुझे बहुत ही गंदा लगा है यह फीचर रेडमी को रिमूव नहीं करना था अगर हम बात करें किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको पहले हर पाँच सेकेंड का टाइम देखने को मिलता था परंतु अब आपको ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा अब आपको सिर्फ़ टेन सेकेंड का एक बार टाइम देखने को मिलेगा जिसमें आप अगर एक बार टिक कर लोगे तो आप फिर ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको वो ऑप्शन बार बार देखने को नहीं मिलेगा और वीडियो का हम कल गेमिंग टेस्ट और आपको बैटरी टेस्ट बता देंगे अगर आपको हमारा वीडियो आया तो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे चैनल जुड़ी है धन्यवाद